नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सभी को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर बैल मिली। कोर्ट ने सभी को पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। इस मामले में आज लालू परिवार की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के लिए कोर्ट में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती पहुंचे थे। पहली बार इस मामले में कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को समन किया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा, ये लोग बार बार राजनीतिक साजिश करते रहते हैं। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस केस में कोई दम नहीं है। BJP जो सभी के साथ करती है, वही हमारे साथ भी कर रही है। हम लोगों की जीत तय है। वही सांसद मीसा भारती ने कहा, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। आज जो फैसला आया है, हम उसके लिए न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। कोर्ट में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा और रोहिणी के साथ रविवार को पटना से दिल्ली पहुंचे थे। तेज प्रताप पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे। तेजस्वी दुबई से रविवार देर रात तक दिल्ली पहुंचे थे। एयर इंडिया के विमान से दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद ने कहा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में नरेंद्र मोदी की हार तय है। वहीं सांसद मीसा भारती ने कहा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, उनको ये सब क्या पता, वो जेल से डरने का काम करें। उन्होंने जो पाप किया है वह न्यायालय तय करेगा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी।